आपको बताने वाला हूँ टिकटॉक के 3 न्यू अपडेट्स के बारे में। जो पहला अपडेट है गाइस, उसमें आपको ज्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन गाइस जो बाकी के जो 2 अपडेट्स हैं उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स मिलेंगे अगर आप उनका सही तरीके से यूज करते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको उन 3 अपडेट्स को कैसे सही तरीके से यूज करके ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स को इंक्रीज करना है। तो गाइस सबसे पहले आपको बता देना आपको करना क्या है। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर चले जाइए। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप सर्च कर लीजिए टिकटॉक। सर्च करने के बाद गाइस आपको वहाँ पे टिकटॉक को अपडेट कर लेना है। टिकटॉक को अपडेट करने के बाद आपको इस वीडियो का एंड तक देखना है, तभी आपको समझ में आता है कि वो 3 अपडेट्स कौन से हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को उसे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वो है जितने भी हमारे टिकटॉक के जितने भी टिकटॉक क्रिएटर्स हैं, उनके जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनके लिए ये अपडेट है कि अगर आप एक पेरेंट है और आपका जो बच्चा है वो टिकटॉक चलाता है, उसके टिकटॉक आईडी है, तो गाइस आप अगर चाहते हैं कि आप उसके टिकटॉक आईडी को कंट्रोल करें तो आप वो ईजिली कर सकते हैं। आप उसके टिकटॉक आईडी को कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी देर वो टिकटॉक आईडी चलाना चाहिए, और जैसे ही वो टाइम लिमिट खत्म हो जाती है आप उसके टिकटॉक आईडी बंद भी कर सकते हैं। तो यही था अपडेट। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको उसे कैसे यूज करें। सबसे पहले आपको टिकटॉक अकाउंट पे आने के बाद आपको 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर कैसे आपको डिजिटल वेलबीम के ऊपर क्लिक कर देना है। डिजिटल वेलबीम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है फैमिली पेयरिंग का, आपको उस पर क्लिक कर देना है। फिर जैसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि कौन ये टिकटॉक अकाउंट यूज़ कर रहा है। अगर आप ये पेरेंट है तो आपको पेरेंट सिलेक्ट कर लेना है। पेरेंट सिलेक्ट करने के बाद लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइस यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख के आ रहे हैं, आप चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब ये जो QR कोड है वो आपको अपने बच्चे के अकाउंट से स्कैन कर देना है। इतना कर लेने के बाद आपको अपने बच्चे के टिकटॉक अकाउंट पे चले जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको टीम सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अभी हमने पेरेंट सेलेक्ट किया था, आपको पेरेंट की जगह टीम सेलेक्ट कर लेना है। फिर गाइस वहाँ पे QR कोड स्कैन करने के लिए बोलेगा, जो आपके पेरेंट वाले अकाउंट का QR कोड है वो आपको स्कैन कर लेना है। तो गाइस फिर आपको लिंक अकाउंट का पॉपअप आएगा, आपको उस पर लिंक पे क्लिक कर देना है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर आप काफ़ी टाइम से टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं और आपने काफ़ी मेहनत करके टिकटॉक पे बहुत सारे वीडियोस डाल दिए हैं, तो इसे बहुत संभल के इस ऑप्शन को यूज़ कीजिएगा, इस फीचर को यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए डेंजर भी हो सकता है। अगर कोई दूसरा आपका अकाउंट लिंक कर लेते हैं दूसरे अकाउंट से, तो वो आपका अकाउंट कंट्रोल कर सकता है। तो ये समझ में आ गया। सेकेंड अपडेट ये है कि आप किसी भी बड़े टिकटॉक क्रिएटर के साथ अपना वीडियो जोड़ सकते हो। आप जैसे चाहो वैसा इफेक्ट लगा सकते हो। समझ में नहीं आया ना, हो सकता है आपको समझ नहीं आया, तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, वहाँ आपको अच्छे से समझाता हूँ कि आपको कैसे यूज़ करना है वाला। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ टिकटॉक के ऊपर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे हमें वीडियोज़ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो गाइज अगर आपको किसी भी बड़े क्रिएटर के साथ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कृष्णा भाई को ले लेता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको अपने वीडियो को यहाँ पे लगाना है इनकी वीडियो के साथ, तो आपको शेयर वाले ऑप्शन के ऊपर चले जाना। आपको यहाँ पे स्टिच का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो लोडिंग स्टार्ट हो गई। फिर आप 5 सेकंड या फिर 5 सेकंड से कम का इनका वीडियो ट्रिम करके सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। प्रोसेसिंग होगी, यहाँ पे कैमरा खुल जाएगा। कैमरा खुलने के बाद आप जैसे नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड करते हो वैसे रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे आप जो भी फिल्टर लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल वाला फिल्टर लगा लिया है और जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर लिया है। आपको डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले भाई उन भाई का वीडियो चलेगा, या फिर जो टिकटॉक क्रिएटर के साथ वीडियो बनाया वो उसका वीडियो चलेगा, फिर आपका वीडियो चलेगा। आप यहाँ पर कुछ भी बोल सकते हो। फिर कैसे मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, जब यहाँ से वीडियो ट्रांसफॉर्म होता है तो आपको वहाँ पर आ जाना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो मतलब अपना वीडियो आ जाता है उनके वीडियो के बाद। तो यहाँ पर आपको ग्लिच को लगा देना है, जिससे लगेगा एकदम प्रोफेशनल लुक और ऐसा लगेगा आप रियलिटी में उनके साथ वीडियो बना रहे हैं। ये फ़ायदा है कि आपको किसी बड़े क्रिएटर का या फिर जिसके साथ आपको वीडियो बनाना है उसका वीडियो आपको डाउनलोड करके एडिट नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली बना सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ज़्यादा वॉच टाइम मिलेगा, ज़्यादा व्यूज आएंगे और लाइक्स भी ज़्यादा आ सकते हैं। पहले आप टिकटॉक पे जब डुएट करते थे तो
तो क्या होता था, आप क्या था डिलीट कर रहे हैं उसका वीडियो राइट में आता था। लेकिन गाइज अब टिकटॉक ने न्यू फीचर भी ऐड कर दिया है जिसका नाम है लेआउट फीचर। जब आप किसी के साथ डिलीट करेंगे तो आपको लेआउट फीचर को भी देखने को मिल जाता है, जिसमें गाइज ऊपर नीचे अगल बगल कहीं भी आप अपना वीडियो सेट कर सकते हैं, उसके अपने जो क्रिएटर के साथ डिलीट कर रहे हैं उसके साथ आप कहीं भी अपना वीडियो सेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी सेट कर सकते हैं। तो ये था लेआउट फीचर के बारे में, यही था तीसरा अपडेट जिससे गाइज आपका वीडियो और ज़्यादा क्रिएटिव लगेगा। तो गाइज लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ कि गाइज ये वाला जो फीचर है वो अभी तक सभी को नहीं मिला है, क्योंकि गाइज आप सब जानते हैं कि टिकटॉक गाइज टिकटॉक पे कितने ज़्यादा लोग हैं, तो गाइज टिकटॉक तो लेट हो ही जाएगा ना सबको देते देते ये फीचर। ठीक है, तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें वो बता सकते हैं, आपको कौन सा अपडेट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आप वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। और आपको ये ज़रूर बताना कि आपके जो टिकटॉक की प्रोफाइल है उसमें लेआउट का फीचर आया है कि नहीं आया है अभी तक। तो चलिए मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप और टिकटॉक वीडियोस देख सकते हैं और टिकटॉक से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, यहाँ पर आ रहा होगा, यहाँ पर आ रहे होंगे दोनों वीडियोस, तो आप लोग देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय और टेक केयर। तेरी फिर भी सबको हटा रहा हूँ, तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ, तेरे लिए मम्मी डैडी को मैं घर पे मना रहा हूँ, वजन मेरी थोड़ी घटा रहा हूँ, तुझे लीन बॉडी पसंद है मैं हेल्दी खाने चबा रहा हूँ, सुनने में आया है तू लंदन में रहती है अब भी।